नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भुगलाल मीणा एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में मारवाड़ थानाधिकारी मोहन सिंह भाटी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन कर मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के कराड़ी गांव में हुई एक वृद्ध महिला की निर्मम हत्या एवं पैर काट कर चांदी के कड़े ले जाने की गुत्थी को सुलझाते हुए वृद्ध महिला के पुत्र व पुत्रवधू को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर हत्या में प्रयुक्त किए गए धारदार हथियार सहित अन्य सामग्री को बरामद करने में जुटी है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 7 मार्च को पानी देवी 60 वर्षीय पत्नी नारायण लाल नायक का शव पड़ा मिला था, जिसकी गला काटकर हत्या की गई थी और पैर काटकर चांदी के कड़े चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भुगलाल मीणा सोजत व्रताधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ भी मौके पर पहुंचे तथा एमओबी एफएसएल टीम डॉग स्क्वायड टीम साइबर सेल टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है तथा हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हर पहलू की जांच कराने के निर्देश दिए गए तथा संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने एवं मृतका के बड़े बेटे उकाराम 30 साल और उसकी पत्नी ममता देवी 25 साल को भी गहनता से पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार किया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानों से परेशान होकर बनाया प्लान। पुलिस पूछताछ के दौरान ममता ने बताया कि उसकी शादी 7 साल पहले हुई थी तथा सास पानी देवी रोज ताना मारती थी तथा झगड़ा करती थी, जिससे परेशान होकर उसने पति के साथ हत्या की साजिश रची और तथा मौके की तलाश में थी। वहीं 7 मार्च को जब सास पानी देवी लकड़ी लेने जंगल में गई तभी धारदार हथियार से गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए उसके पैर काट कर चांदी के कड़े निकाल दिए ताकि ये चोरी की वारदात लग सके। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर हत्या के दौरान उपयोग में लिए गए धारदार कुट व कड़ले सहित अन्य सामग्री की बरामदगी का प्रयास कर रही है।